मैंने कहा ना, शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, यहाँ अहंकार की बात नहीं है। हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे, यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? सुनिए, सेकुलर शासन तंत्र का अर्थ यह नहीं है कि परंपरा प्राप्त जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका उच्छेद कर दें, भगवान राम भद्र को भी सेकुलर बना दें। राम जी को ही सौंपता हूँ कि उनके नाम पर जो विसंगति है उसका निवारण करें और असंगति उत्पन्न करने वालों पर विशेष अनुग्रह करें। कहाँ पर? हाँ? किसके द्वारा आक्रमण हुआ? आम जनता वहाँ वो रास्ता, शायद रास्ता पूछे, जो पुलिस ने बताया कि वो रास्ता पूछ रहे थे, लेकिन बंगाल के लोग थे, भाषा नहीं समझ पाने के कारण युवतियों से रास्ता पूछा, भाषा नहीं समझ पाने के कारण लोगों ने कुछ समझ के पीट दिया, ऐसा पुलिस ने कहा है। जिस तरह से वो यूपी से आ रहे थे गंगा सागर में भी, लेकिन घटना का ठीक ठीक हमको ज्ञान नहीं है। जब तक सांगोपांग ज्ञान न हो तब पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमारी बात सुप्रीम कोर्ट में भी समादर के साथ मानी जाती है, देखी जाती है। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है, क्या कहना चाहिए? मैंने कहा ना कि सबके हित में भारत का उपयोग और विनियोग हो, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हिंदू राष्ट्र का अर्थ होता है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। हमारा जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त हो, लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, सद्भावपूर्ण वातावरण हो, यह हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है। नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद होना चाहिए, भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प हो, भूगर्भ मार्ग में संगठन हो, सेना हो, शासन तंत्र से जो संबद्ध महानुभाव हैं उनका दायित्व है कि हम लोगों के साथ समय समय पर बैठें, विचार विमर्श करें, सबके हित में शासन तंत्र का उपयोग और विनियोग हो, धार्मिक आध्यात्मिक मर्यादा का भी पालन हो, राष्ट्र के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए सद्भाव पूर्वक संवाद का आलम्बन शासन तंत्र ले या